नमस्कार विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट से फिल्म पद्मावत को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन लोग ये फिल्म सिनेमाघरों में जाकर देख पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि राजपूत संगठन नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज हो, और इसके बाद सिनेमाघर मालिकों को इस बात का डर है अगर फिल्म रिलीज की गई तो नाराज राजपूत संगठन सिनेमाघरों में तोड़फोड़ कर सकते हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि फिल्म रिलीज होने पर सुरक्षा पुख्ता करे। इस बीच राजपूत संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर सिनेमाघर मालिकों को धमकाने की भी खबर है। फिल्म 25 तारीख को रिलीज होनी है और फिल्म रिलीज होने पर करणी सेना ने जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही है। ऐसे में फिल्म रिलीज होने पर बवाल की आशंका बढ़ती जा रही है। पद्मावत रिलीज हुई तो एक बार फिर से देश में जौहर होगा, और जौहर करने के लिए लगभग 2000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। राजपूत करणी सेना ने फिल्म रिलीज होने पर महिलाओं के जौहर की चेतावनी देकर एक बड़ी सनसनी फैला दी है। राजपूत संगठनों के विरोध को देखते हुए कई राज्य फिल्म को अपने यहाँ रिलीज नहीं करना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिल्म रिलीज होने पर सुरक्षा मुहैया करवानी ही होगी। इस बीच कई राज्यों में सिनेमाघर मालिकों ने बवाल की आशंका के मद्देनजर फिल्म रिलीज ना करने का फैसला लिया। रिपोर्ट देखते हैं। संजय लीला भंसाली की दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म पद्मावत विवादों का दूसरा नाम बनती जा रही है। सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म 25 जनवरी को पूरे देश में रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन कई राज्यों ने अपने यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर इसकी रिलीज पर बैन लगा दिया। मध्य प्रदेश समेत हरियाणा भी ऐसे राज्यों में शामिल था, लेकिन निर्माताओं के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सर्वोच्च अदालत ने इस फिल्म पर बैन को असंवैधानिक करार दिया, और इसी के साथ पूरे देश में पद्मावत की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब फिल्म निर्माताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। राजपूत समाज और करणी सेना फिल्म को किसी भी कीमत पर रिलीज न होने देने की बात पर अड़ी है। उसकी छाया में, प्रति छाया में जो 25 तारीख की चर्चाएं चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है 25 आएगी और जाएगी, पर पद्मावत नहीं आएगी। पर उसकी छाया में, उसकी प्रति छाया में जो रिलीज करने की जो अफवाहें चल रही है, मैं बहुत स्पष्ट अभिमत रखता हूं कि अब भी समझे, अब भी हमारी भावनाओं का आदर करें। अब भी ये क्यों नहीं समझा जा रहा है कि देश में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग विचलित हैं। करणी सेना की ओर से ये जानकारी भी दी गई, अगर फिल्म रिलीज होती है तो कई महिलाएं जौहर करने की भी तैयारी कर चुकी हैं। 16,000 स्त्रियां मरी थी कब, और 2,000 के आसपास जौहर करने को तैयार है अब। कितनी बड़ी विडंबना है, मरने को तैयार हैं लोग। मैं महिलाओं से अपील करूंगा, चित्तौड़ दरवाजा बंद हुआ है मतलब कुछ ना कुछ होगा। चित्तौड़गढ़ का दरवाजा जब भी बंद हुआ है इतिहास में, या तो जौहर हुआ या शाका। अभी हम शाका करने को तैयार हैं, जौहर की जरूरत न पड़े, इस तरह का मेरा विश्वास है। तमाम राजपूत संगठन इस फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सिनेमाघर की टिकट खिड़की में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। वहीं होशियारपुर में भी लोगों ने फिल्म के विरोध में विशाल रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। मार्च एसडीएम दफ्तर तक लेके जा रहे हैं, जो शीतला माता मंदिर से शुरू होया सी। असीं इस रोष मार्च के राही दसना चाहते हैं हिंदुस्तान की गुंगी सरकार नू कि जिहड़ा तुसीं डिसीजन कल लिया है 25 तरीक नू माता पद्मावती की जिहड़ी फिल्म रिलीज कर जा रहे हो, असीं उहदा पूर्ण विरोध कर जा रहे हैं। अगर तुसीं 25 नू अपना फैसला ना बदलिया तो साडे जिन्ने भी हिंदू संगठन हैगे आ असीं सारे नाल लैके 25 तरीक नू हिंदुस्तान दे विच माता पद्मावती की जिहड़ी फिल्म असीं नहीं चलन देंगे। अब इस स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में सिनेमाघर मालिकों को इस बात का डर है अगर फिल्म रिलीज की जाती है तो सिनेमाघरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गुजरात में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फिल्म को राज्य में रिलीज ना करने का फैसला लिया।
हरियाणा में भी राजपूत संगठनों की ओर से सिनेमा घरों में जाकर चेतावनी दी जा रही है, अगर फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ कोई बैनर ना लगे, कोई फिल्म का पोस्टर ना लगे, अदरवाइज 25 तारीख को जो भी होगा उससे भी ना लगे, बिल्कुल नहीं। कोई प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा, बेशक हमारी गर्दने काट दी जाए। उसके बाद 25 तारीख को सीधा ऐलान है राजपूत यूथ ब्रिगेड का, संयोजक भाई, सीधा ऐलान है पूरा सिनेमा घर उड़ा दूंगा, सीधा सिनेमा घर उड़ा दिया जाएगा। कोई ऐलान नहीं, कोई इसके बाद कोई आपसी वो नहीं है। ऐसे प्रदर्शनों को देखते हुए हरियाणा के कई जिलों के सिनेमाघर मालिक फिल्म रिलीज ना करने की तैयारी में है। नहीं लगाएंगे, कारण है पहले योद्धा अकबर की वारी हमें पुलिस पूरी सिक्योरिटी कह गई थी, और पिक्चर शुरू होने से पहले कह गई है पिक्चर ना चलाना, हमारी कोई जिम्मेवारी थी, वही डर है जो योद्धा अकबर था। अगर जब तोड़ फोड़ करने आ गए तो पुलिस वाले हमें ही कहने लगे अपने हाथ से पोस्टर फाड़ दो। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि फिल्म को रिलीज करने पर पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की स्टडी करने के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कर रही है, लेकिन सिनेमा घर मालिकों का डर इस आश्वासन के बावजूद खत्म होता नहीं दिख रहा। इलाके में जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पे हम पुलिस का अरेंजमेंट रखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना होगी। जो लोग वहां जाएंगे उनको भी समझा करके जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए उनको भी हम समझाएंगे कि गलत जो है कोई आदमी ना करे, कानून का सभी लोग सम्मान करें और कानून की पालना करें। देखिए इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही है कि पुलिस अपनी तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी, किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देगी। ऐसा हम लोगों को अपील करेंगे कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लें किसी भी प्रकार से। और वो जानते हैं कि सरकार ने तो इस फिल्म को बैन कर दिया था, अब मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रास्ता निकलेगा तो हम जरूर उस रास्ते को अपनाएंगे। नहीं, अभी हमें कॉपी मिली नहीं है, कॉपी मिलेगी तो जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं वो उसको स्टडी करेंगे, और अगर इसमें कोई रास्ता निकलता हुआ, कानूनन रास्ता निकलता हुआ, तो हम जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राज्यों पर लगा बैन हटाने के बाद भी कई राज्यों में फिल्म रिलीज को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई राज्यों की सरकारें फिल्म रिलीज होने पर कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म रिलीज होने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। फिल्म गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले रिलीज हो रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की चिंता बढ़ी हुई है। होशियारपुर से अश्विनी कुमार के साथ अम्बाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट, MHO न्यूज। तो सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत को रिलीज होना है, लेकिन क्या दर्शक पहुंच पाएंगे सिनेमाघर तक? क्या सिनेमाघर मालिक इस फिल्म को लगाते हैं? अगर लगाते हैं तो क्या पुलिस और प्रशासन सुरक्षा दे पाएगा? बड़ा सवाल यहां पर है, हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों के लिए बड़ा सवाल है। और कई राज्य चाहते थे कि उनके यहाँ फिल्म रिलीज ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिल्म रिलीज होगी, लेकिन अब राज्यों के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्या वाकई पद्मावत रिलीज हो पाएगी? चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है साध्वी देवा ठाकुर, आप हिंदू नेता हैं, देवा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, फिल्म को लेकर हिंदू और राजपूत समाज का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, टीबी डिबेट में बीजेपी और हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हैं। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय गुलिया जी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के प्रवक्ता हैं और टीवी डिस्कशन में इनेलो का पक्ष रखते हैं, इसी के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते हैं। भूम सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। दिलीप सिंह चौहान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय कर्णी सेना के प्रवक्ता हैं, आप चर्चा में राजपूत समाज का पक्ष रखेंगे। राजवीर देशवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, XIPS हैं, हरियाणा में IG के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, 35 साल के अनुभव वाले राजवीर देशवाल विभिन्न विषयों पर 20 से ज्यादा पुस्तकें भी लिख चुके हैं, इनके हजारों लेख भी अखबारों में छपते रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप वकालत भी कर रहे हैं। इनसे हम पुलिस की भूमिका के साथ साथ लेखक या फिल्मकार की अभिव्यक्ति और लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। इसी के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुरेश मोगा जी, सबसे अधिक परेशानी इनको लेकर है, अंबाला के मशहूर न्यू कैपिटल सिनेमा और मिनर्वा सिनेमा के आप मैनेजर हैं, सिनेमाघर मालिकों की बात इस डिबेट में आप रखेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और ये बड़ी चर्चा जो है हमारी लगातार जारी रहेगी।